हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा के सेटिंग्स को कुछ चेंज करके एक अच्छा फ़ोटो और वीडियो शूट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना एआई मोड ऑन कर लेना है। उसके बाद जो आपका फ्रेम रेट होना चाहिए वो 3:4 का फ्रेम रेट होना चाहिए, क्योंकि इस फ्रेम रेट में आपका पिक्चर क्वालिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। और अगर आप फुल फ्रेम रेट में अगर फ़ोटो लेते हैं तो आपका जो पिक्चर का क्वालिटी होता है वो कम हो जाता है। अब हम लोग कैमरा सेटिंग्स को देख लेते हैं। वाटरमार्क को आप हमेशा ऑन रखें या फिर ऑफ़ रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा वाटरमार्क को ऑफ़ रखा करता हूँ, क्योंकि मेरा पिक्चर में जो वाटरमार्क होता है वो मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद करेक्शन डिसॉर्टन अल्ट्रा वाइड शॉट, इसे आप ऑन कर लें। उसके बाद आपका जो सेकेंड फीचर है वो है करेक्ट फेस डिस्टॉर्शन इन ग्रुप फ़ोटो। बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग ग्रुप फ़ोटो ले रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं तो एक दो जन का फ़ोटो अच्छा नहीं आता, उनका फेस नहीं आ पाता है। इसे अगर आप ऑन करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है वो सबका फेस जो है वो क्लियरली आएगा। पिक्चर क्वालिटी को आप हाई कर लें और आपका जो फोकस एंड शॉट है वो आप ऑफ ही रखें, क्योंकि आप इसे जब मैन्युअली फ़ोटो ले रहे होते हैं तो उस वक्त आप फोकस ले ही रहे होते हैं। पॉकेट मोड, शटर साउंड और लोकेशन इन्फॉर्मेशन को आप ऑन कर लें, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिससे आपका जो लोकेशन है, आप कहाँ पे फ़ोटो लिए हैं, वो आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका शटर साउंड है, इसे मैं हमेशा ऑफ रखा करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बार फ़ोटो जब मैं ले रहा होता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा होता है, सामने वाला सब्जेक्ट जो होता है वो डर जाता है या फिर चला जाता है, इसीलिए मैं हमेशा शटर साउंड जो है वो ऑफ़ रखा करता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद पॉकेट मोड। पॉकेट मोड क्या है, बहुत बार होता है कि आप अपना कैमरा ऑन रखकर आप अपने पॉकेट में रख लेते हैं तो उस वक्त आपका कैमरा ऑन ही रह जाता है, इसीलिए आप इसे ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है या फिर वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। उसके बाद एंटी बैंडिंग है, आप एंटी बैंडिंग को 60 हर्ट पर रखें, यह हाईएस्ट जितना आपका दे रहा हो। एंटी बैंडिंग क्या होता है ये मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इससे रिलेटेड। अब हम लोग वीडियो रिलेटेड कुछ देख लेते हैं कि वीडियो में हम लोगों को क्या क्या सेटिंग्स रखना चाहिए जिससे हमारा एक अच्छा वीडियो हम लोग शूट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वो है ग्रिड लाइन। हम लोग ग्रिड लाइन्स को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ग्रिड लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी हम लोग वीडियो या फिर फोटो शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल जैसे रूल ऑफ थर्ड, इन सारे रूल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड लाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे बहुत सारे ऑप्शन वीडियो शूट करने के लिए मिल रहे हैं, तो मैं हाईएस्ट रेजोल्यूशन यानी कि 4K में रख लेता हूँ। इससे मेरा जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और वीडियो भी बहुत अच्छा देखने को आपको लगेगा। उसके बाद वीडियो इनकोडर है, यहाँ पे मेरा वीडियो इनकोडर जो है वो 265 हर्ट्ज जो है वो हाईएस्ट है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। और जो इमेज स्टेबलाइजेशन मैं जैसे कि किया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत बार जब वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा शेक होता है, तो इसके कारण आपका वीडियो जो होता है वो ख़राब हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, एक सिनेमैटिक लुक नहीं मिलता है, इसीलिए आप उसे आप हमेशा ऑन रखें, इससे आपका वीडियो अच्छा आएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे, जैसे कि मैं पोको X3 मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे मूवी फ्रेम, ट्रैकिंग मूविंग ऑब्जेक्ट, मैक्रो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इन सारे मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारे वीडियो को मैं अलग वीडियो को बनाऊंगा, उसमें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इन सारे वीडियो को यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा मूवी या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ बाई यूजिंग मोबाइल फ़ोन। उसके बाद आप फोटो में भी आप अपना ग्रिड लाइन्स को हमेशा ऑन रखें, क्योंकि ग्रिड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस मोबाइल में भी बहुत सारे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि HDR मोड, HDR मोड को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा सन का लाइट जो है वो डायरेक्टली हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा होता है, उस वक्त हम लोग HDR मोड यूज़ करते हैं और वो जो फोटो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उस वक्त देखने में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड, और भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि मेरे पास हैं, स्लो मोशन, पैनोरामा मोड, 64 मेगापिक्सल, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, क्लोन्स, लॉन्ग एक्सपोजर, ये सारे क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा।
स्लो मोशन में कब हम लोग कौन सा FPS कब यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। FPS का मतलब होता है पिक्चर फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में आपका कितना सारा फ्रेम आ रहा है। यही रीज़न होता है कि जो हमारा स्लो मोशन वीडियो होता है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।